तो गाइज आज एक भूत आएगा जो कि सिंचन किडनैप कर लेगा। उसको किडनैप करके ले जाने के बाद वो उसको बहुत बड़ा मॉन्स्टर बना देगा, बहुत खतरनाक मॉन्स्टर। गाइज उसको ठीक करने के लिए फ्रैंकलिन करेगा बहुत मेहनत। वो कई लोगों की कुटाई करेगा, कई लोगों की पिटाई करेगा, कई लोगों को मारेगा ताकि वो उसे ठीक कर पाए। कुछ सुपर हीरो से हेल्प भी मांगेगा लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होगा और फ्रैंकलिन खुद एक मॉन्स्टर बन जाएगा। तो गाइज आप लोग देखते रहिए, हम आपको पूरी स्टोरी सुनाने वाले हैं आज। अरे भाई भूत तुम कौन हो? मैं हूँ भूत, मैं आया हूँ एक दुनिया से और मैं यहाँ पर आत्मा लेने के लिए आया हूँ। किसी ने मुझे बताया था कि सबसे अच्छी आत्मा सिंचन की है। अबे मैं कह रहा हूँ तुम मेरे साथ सिंचन को ले जा पाएगा? फ्रैंकलिन तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। नहीं फ्रैंकलिन भैया, ये जानता नहीं लगता आपको, ये आपको जानता नहीं है कि आप कितने बड़े फट्टू हो। क्या फ्रैंकलिन तू फट्टू है? भाग यहाँ से। अरे तुमने फ्रैंक भैया को मार दिया, मुझे लेके कहाँ जा रहे हो? मैं तुझे अपनी दुनिया में लेके जाऊंगा और तुझे बना दूंगा एक खतरनाक मॉन्स्टर ताकि मैं तुझ पे कब्जा करके तुझे काम करवा सकूं। बाय बाय फ्रैंकलिन। तो गाइज वो सिंचन को लेके जा चुका है। अब मुझे सिंचन को बचाना पड़ेगा यार, कुछ भी करके सिंचन को बचाने के लिए गाइज मुझे यहाँ से पहले जाना पड़ेगा किसी के पास जो कि मेरी हेल्प कर सके। पता नहीं मेरी हेल्प कौन कर पाएगा यार। मुझे लग रहा है पहले मुझे आयरन मैन के पास और एक टेक हल के पास जाना चाहिए। हाँ मैंने उन दोनों को बुला लिया पहाड़ी के पास, वो लोग आते ही होंगे। मैं फटाफट उनके पास पहुँचता हूँ और उनसे हेल्प मांगता हूँ। अरे भाई जल्दी बताओ मुझे, मैं सिंचन को कैसे बचा सकता हूँ? तुम्हें सिंचन को बचाने के लिए उस भूत की दुनिया में जाके उस भूत को हराना पड़ेगा। जब तुम उस भूत को हरा पाओगे तभी तुम सिंचन को बचा पाओगे। जाओ। ठीक है मैं उसकी दुनिया में कैसे जा सकता हूँ? मुझे उसकी दुनिया में जाने का रास्ता पता है, पर उसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। तुम्हें मेरे कई सारे दुश्मनों को ख़त्म करना पड़ेगा फ्रैंकलिन। ठीक है मैं तुम्हारे दुश्मनों को ख़त्म करके आता हूँ। तो गाइज आयरन मैन ने हमें एक काम दिया है कि हमें उसके दुश्मनों को ख़त्म करना पड़ेगा, उसके बाद वो हमें रास्ता बताएगा उस दूसरी दुनिया में जाने का। इतना गाइज मैं जाता हूँ उनके लोगों के पास तक, इतना मैं गाइज आपको कुछ बताना चाहता हूँ। गाइज आप फटाफट बोया का ऐप डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और वहाँ पर गाइज अपनी क्लिप अपलोड कीजिए और आप लोग गाइज जीत सकते हो बहुत औसम इनाम, जैसे फ्री फायर के डायमंड्स, फ्री फायर की स्किन, गन की और कपड़े भी। गाइज फटाफट बोया का ऐप डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो मैं पहुंच चुका हूं यहाँ पर इन लोग के पास। यहाँ बहुत सारे गाइज गुंडे खड़े हैं, मुझे इन सबको ख़त्म करना पड़ेगा। अगर मुझे उससे पता पूछना है आयरन मैन से कि मैं कैसे जा सकता हूँ उस भूत की दुनिया के अंदर, यहाँ तो बहुत सारे गुंडे गाइस, मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं मैं कैसे टिक पाऊंगा इन सबके सामने, ये तो बहुत ज़्यादा है, कसम से बहुत ही ज़्यादा है यार, ये तो कैसे टिक पाऊंगा। चलो गाइस मैंने बहुत मेहनत करके इन लोगों को हरा दिया है, आधो गाइस मैंने उड़ा दिया, चक्के जाम कर दिए आधो के, और गाइस मेरे भी काफ़ी चोट लग चुकी है, पर गाइस मैंने जाते सबको हरा दिया, बस ये आखिरी बचा है। ए बेटा हट जा, मैंने गाइस सबको हटा दिया। अब तो गाइस यहाँ पर तो एक और बचा आखिरी गाइस, मैं इसकी गन छीन लेता हूँ। गाइस ये तो बहुत खतरनाक गन लग रही है मुझे इसके हाथ में। अब गाइस देख तो क्या खतरनाक गन है इसके हाथ में, मैं गाइस यार गन छीन लेता हूँ इससे। चले गाइस मैंने सबकी गने वने उठा लिए हैं, सबकी गने मैंने इकट्ठा कर लिया। मैं फटाफट गाइस यहाँ से चलता हूँ, मैंने इन सबको खत्म कर दिया है। अब मैं फटाफट जाता हूँ आयरन मैन के पास, वो हमें बताएगा दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता। चलो फटाफट चलते हैं आयरन मैन के पास, वो हमें लेके जाएगा उस रास्ते तक जो जाएगा उस गोश्त की दुनिया में जिस हम सिंचन को बचा पाएंगे। अरे भाई आयरन मैन कहाँ है तेरा रास्ता? फ्रैंकलिन तुम इस रास्ते से आर पार जा सकते हो, पर उसके लिए इन लोगों को वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। हाँ गाइस आप जल्दी वीडियो को लाइक कर दो, आपको वीडियो को लाइक कर दोगे तो ये रास्ता खुल जाएगा और मैं जा पाऊंगा दूसरी दुनिया के अंदर। गाइस फटाफट वीडियो को लाइक करो यार, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली गाइस लाइक कर दो वीडियो को। हाँ गाइस लाइक करो वीडियो को। गाइस जल्दी वीडियो को लाइक करो, मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ दुनिया की दूसरी दुनिया के अंदर। अगर आपने लाइक कर दिया होगा तो मैं जा पाऊंगा, नहीं किया होगा तो फटाफट लाइक कर दो। गाइस मैं पहुंच चुका हूँ दूसरी दुनिया के अंदर यार। यहाँ पर सारा तो सन्नाटा है, यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे लगता है ढूंढना पड़ेगा मुझे उन दोनों को, उस गोश्त को, सिंचन को। यहाँ जंप मारता हूँ, भाई फिसल गया भाई, रुक जा। गाइस मेरा पैराशूट खुल नहीं रहा, मैं क्या करूँ? अरे मेरा पैराशूट खराब हो गया, खुल नहीं रहा पैराशूट। अबे कभी खुलता नहीं पैराशूट, क्या है यार ये पैराशूट? अरे कसम से मुंह तुड़वा के मानेगा मेरा। गाइस बहुत बुरा गिरा हूँ मैं, कसम से मेरी चोट लग गई है दाहिने टांग में। हाँ यार चलो गाइस अब चलते हैं। गाइस यहाँ पर रेड हल्क मिला है जाइंट वाला, इससे पूछते हैं भाई तुम्हें पता है वो मुझे कहाँ मिलेगा गोश्त जो सिंचन को किडनैप करके लेके आया है यहाँ पे? मुझे नहीं पता वो कहाँ मिलेगा, तुम्हें अगर उस किसी का भी पता लगाना है गोश्त का तो तुम वेस्ट की तरफ जाओ, उस दिशा में बहुत सारे गोश्त रहते हैं, सारे गोश्त वहीं रहते हैं। तो गाइस हम चलते हैं वेस्ट की तरफ, वहाँ पर हमें सारे गोश्त मिल जाएंगे। चलो हम नदी के रास्ते चलते हैं यार, वैसे कभी गर्मी हो रही है, मैं पसीना आ गया था यार, गर्मी लग रही थी, चलो थोड़ा नहाते हुए पहुँच जाएंगे यार। चलो मैं पहुँच गया हूँ आगे की तरफ, यहाँ पर पता नहीं मुझे कहाँ मिलेगा। गाइस अब तो नदी खत्म हो चुकी है, यहाँ पर आधी नदी से हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम बहुत गीले हो चुके हैं। यहाँ पर किसी बाइक खड़ी मिली, हम बाइक चलते हैं फटाफट। और गाइस आप देख सकते हैं क्या बाइक चलाऊंगा मैं, बस मेरी ड्राइविंग देखना, क्या ड्राइविंग करता हूँ मैं यार। चलो हम सिंचन को बचाने के लिए चलते हैं, क्या ड्राइविंग मेरी गाइस। अगर आपको मेरी ड्राइविंग पसंद आती है ना तो गाइस कमेंट कीजिए ओपी। हाँ गाइस जल्दी कमेंट कर दो ओपी अगर आपको मेरी ड्राइविंग पसंद आती है तो। ओहो बेटे गाइस बहुत खतरनाक ड्राइव करता हूँ मैं। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमें आगे कौन मिलता है। अरे यहाँ पे गाइस ये कौन मिला है? गाइस तो कौन सा आयरन मैन है गाइस, ये कौन सा आयरन मैन है? गाइस आप फटाफट कमेंट करके बताओ ये कौन सा आयरन मैन है, जल्दी कमेंट करो गाइस ये कौन सा आयरन मैन है।
हमें याद नहीं आ रहा है कौन सा वाला आयरन मैन है। आपको गाइस अगर पता है कि कौन सा आयरन मैन तो फटाफट कमेंट करो, हम गाइस इससे पंगा नहीं लेंगे। क्या पता ये बुरा आदमी निकला और हमें मार देगा, तो आप बस गाइस इसका नाम बताओ मुझे कमेंट करके, क्या नाम है इस वाले आयरन मैन का। चलो चलो फटाफट गाइस हम यहाँ से चलते हैं, हमने बहुत देख लिया, बहुत औसम है यार, काश यार सूट मुझे मिल पाता तो मैं मज़े ही काटता पूरी दुनिया के अंदर। चलो हमें मिल नहीं पाएगा, हम यहाँ से फटाफट चलते हैं गाइस, क्योंकि आप लोग जानते हैं सिंचन को बचाना इंपॉर्टेंट, हम सिंचन को बचाने के लिए जाते हैं। हमें क्या पता आगे की तरफ कहीं मिल जाए भूत वाला, बहुत ढूंढ रहा है, मैं बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ सारे भूत को, पर वो मिल नहीं रहा है, कहाँ ले गया वो सिंचन को। गाइस मुझे मिल चुका है बहुत देर बाद, ए गोस्ट तूने सिंचन के साथ क्या किया। गाइस सिंचन के साथ ही क्या हो चुका है, फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन भैया मैं आपका छोड़ूंगा नहीं। मैंने इसको बना दिया है एक मॉन्स्टर, अब ये मेरे कहा मानेगा और पूरे शहर में तबाही मला देगा और सब कुछ तबाह कर देगा, सबको मार देगा। तूने ऐसा क्यों किया, तूने में हिम्मत कैसे की मैंने संजय ऐसा करने की। तुमने मेरे बॉस को मारा तुमने हिम्मत कैसे की बे लड़के मेरे बॉस को मारने की। गाइस इस जंग क्या चुका है, गाइस मैं गाइस फटाफट कैसे बचूं मैं समझ में नहीं आ रहा। चलो गाइस इतना मुझे बर्फ में जमा दिया, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा यार, मैं पूरे शहर में तबाही मचा दूंगा। मेरे से कोई नहीं बच पाएगा, ये पूरे शहर के सारे लोगों को मार के खा जाऊंगा मैं, यहाँ पे ऐसा कोई नहीं जो मेरे सामने टिक पाए। क्या मेरे सामने कोई टिक पाएगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये जावे काली गाड़ी भाग यहाँ से, और कौन कौन भी मुझसे पंगा लेगा तुम में से, तुम जानते नहीं हो कि मैं क्या चीज़ हूँ। मेरे से टकराने वाला चूर चूर हो जाता है, सामने आ गया इंसान भी बद बेहोश हो जाता है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, इन सबको मैं ठिकाने लगा दूंगा। देखो मेरी पावर गाइस, क्या पावर है मेरे पास, मैं इनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा। गाइस ये क्या हो चुका है, आप लोग गाइस देख सकते हो यार, सिंचन ने मुझे जमा दिया था बर्फ के अंदर, अब मुझे खुद को आज़ाद करना पड़ेगा क्योंकि मेरी आत्मा शरीर से अलग कर दी सिंचन ने, मैं खुद की बॉडी को आज़ाद नहीं कर पा रहा हूँ, इतनी कैड़ी बर्फ जमी हुई थी, मुझे कुछ ना कुछ फटाफट करना पड़ेगा यार। कैसे करूँ मैं गाइस, ये बर्फ में पिघला नहीं पा रहा हूँ, कैसे गाइस मेरे पास लेजर बीम थी, हाँ गाइस वो जो गुंडों से मैंने लेजर बीम उठाई थी मैं उससे गाइस इन लोगों को ट्राई करता हूँ इसको पिघलाने की बर्फ को। चलो मैं फटाफट गाइस बर्फ को पिघलाने की ट्राई करता हूँ, लेजर बीम बहुत ज़्यादा गर्म होती है, मैं बर्फ को पिघला ही दूंगा कैसे ना कैसे। अरे भाई साहब गाइस जैसे बर्फ पिघल रही है, हाँ बर्फ पिघल रही है, हल्की हल्की गाइस बर्फ पिघल रही है, मैं आज़ाद हो सकता हूँ किसी वक्त। गाइस इतना गाइस आप चैनल सब्सक्राइब कर दो, गाइस ना मैं बर्फ को पिघला रहा हूँ, जल्दी गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गाइस मैं लॉन्चर से कर रहा हूँ आज़ाद, गाइस मैं आज़ाद अभी भी कर रहा हूँ खुद को, बर्फ पिघल नहीं रही है। गाइस लगता है आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा बर्फ पिघलाने के लिए, जल्दी गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप बर्फ पिघलाना चाहते हो तो। अरे भाई साहब ये तो बहुत ही ज़्यादा औसम है रे, मज़ा आ गया गाइस। अरे भाई साहब गाइस बर्फ पिघल ही नहीं रही यार, बहुत देर बाद गाइस बहुत देर मेहनत के बाद गाइस बर्फ पिघली है, और गाइस आप देख सकते हो ये गाइस ये भूत पड़ा जाला, ये भूत अभी बेहोश हो चुका है, मुझे बेहस चलना चाहिए सिंचन को बचाने के लिए। अब मुझे गाइस किसी की हेल्प मांगनी पड़ेगी गाइस, चलो मैं आयरन मैन और वो सारे टैक हल्क से दोबारा जाकर हेल्प मांगता हूँ अपनी दुनिया के अंदर वापस। गाइस मैं पहुँच चुका हूँ, भाई तुम दोनों मेरी फटाफट हेल्प कर दो यार, सिंचन को उसने एक मॉन्स्टर बना दिया है और सिंचन पूरे शहर में तबाही मचाने के लिए चला गया है, मुझे क्या करना चाहिए। तुम्हें उस दुनिया के अंदर वापस जाके एक पोर्टल ढूंढना होगा जो कि मेज बैंक टावर के ऊपर मिलेगा, तुम उस पोर्टल की मदद से एक ऐसे मॉन्स्टर बन जाओगे कि तुम भी ठीक तुम सिंचन को ठीक कर पाओगे उस मॉन्स्टर की पावर की मदद से। जब तुम मॉन्स्टर बन जाओगे तुम्हारे पास ऐसी शक्ति आ जाएंगी तुम किसी को भी ठीक कर सकते हो। ठीक है गाइस तो मैं चलता हूँ यहाँ से फटाफट, मुझे हल्क ने बता दिया है कि मुझे मेजमेंट टावर के ऊपर जाना है और वहाँ मुझे गाइस बहुत सारी पावर्स मिलेंगी जिनसे मैं सिंचन को ठीक कर सकता हूँ। चलो मैं चलता हूँ फटाफट मेजमेंट टावर के ऊपर, पता नहीं वहाँ पर गाइस कैसी पावर्स होगी मेजमेंट टावर के, क्या कौन सा खतरा होगा मुझे ये भी नहीं पता, पर मुझे वहाँ तक जाना तो पड़ेगा सिंचन के लिए क्योंकि सिंचन से मैं बहुत प्यार करता हूँ और सिंचन से मैं प्यार करता हूँ तो सिंचन को बचाना पड़ेगा मुझे। चलो फटाफट चलते हैं मेजमेंट टावर के ऊपर, हम लोग पहुँच चुके हैं गाइस ये मेजमेंट टावर का ऊपर है, हाँ गाइस ये इस दुनिया का मेजमेंट टावर है, बहुत छोटा है ना गाइस ये, हाँ मुझे पता है गाइस बहुत छोटा है गाइस, गाइस इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड खड़े इस वाली इसके लिए इस पोर्टल की सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि गाइस इनके बॉस ने जो इनका माफिया बॉस है उसने इस पोर्टल पे कब्जा कर लिया था, तो मुझे पहले इन सबको रास्ते से हटाना पड़ेगा उसके बाद ही गाइस मैं इस पोर्टल के अंदर जा पाऊंगा। फटाफट गाइस इन सब हमला करता हूं, इस पर इन लोगों को समझ में आए क्या करना है, मैं इन लोगों को फटाफट इनसे उड़ा देता हूं। भाई साहब हट जा मेरे बॉस आने वाले, मेरे बहुत मारा मत गाइस, मैंने इन सबको खत्म कर दिया है, बस आखिरी बचा है इसको भी गाइस मैं खत्म कर देता हूँ। फटाफट गाइस मैंने इन सबको खत्म कर दिया, मैं फटाफट जाकर पोर्टल के अंदर खड़ा हो जाता हूँ ताकि मुझे इस पावर्स मिल सके जिससे मैं सिंचन को ठीक कर सकूँ। पता नहीं गाइस मुझे कैसी पावर्स मिलेंगी इसके अंदर, मुझे खुद नहीं पता, ये इस दुनिया की खतरनाक पावर्स है। चलो मैं खड़ा होता हूँ, आप देखते हैं मैं क्या बन जाता हूँ। चलो गाइस मुझे कुछ बनने के लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, इस फटाफट वीडियो को लाइक करो आप। गाइस मैं बन चुका हूँ ये मॉन्स्टर, अरे गाइस मैं क्या बन गया ये मॉन्स्टर जैसा, मैं सिंचन को कैसे ठीक करूँगा, मैं तो खुद एक मॉन्स्टर बन चुका हूँ। अरे यार लगता है गाइस मुझे कुछ करना पड़ेगा क्या सर, हाँ सर गाइस मेरे पास एक पावर से जिन्हें सिंचन को ठीक करता हूँ। चलो गाइस बाय बाय, मैं सिंचन को ठीक कर देता हूँ जाके, इतना गाइस आप लोग खाना वाना खा लो, आराम करो, रेस्ट करो, और गाइस सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना गाइस, फटाफट मैं जा रहा हूँ सिंचन को ठीक करने के लिए।